सुपर टेक्निकल अशोक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके पास वाला घंटे का बटन भी दबा दो, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं अशोक कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि यूट्यूब चैनल का जो लोगो उसको कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं मेरे चैनल का जो है लोगो लगा हुआ है, तो उसको कैसे बना सकते हैं और उसको जो है राउंड में कट करके कैसे लगाते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कोई भी व्यूवर्स जो है वीडियो को देखता है तो उसके चैनल का लोगो भी जरूर देखता है, जिससे कि उसको भी मालूम पड़ जाता है कि इस संबंध में जो है कितना नॉलेज है, तो उसके हिसाब से आपके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देता है। जो भी व्यूवर्स है वो सब्सक्राइब कर देता है आपके चैनल को। दोस्तों अगर आप भी अपने चैनल का जो है लोगो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे नए टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूं और घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, वीडियो के नीचे लाइक का बटन उसको भी जरूर दबा दें। तो चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल का लोगो बनाने के लिए मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा और आप इससे एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से यह एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं पिक्सल लैब। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें जो है दोस्तों आपको फुल HD मतलब कि 80 क्वालिटी का इसमें पिक्चर मतलब लोगो बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर इसमें जो है क्रिएट कर सकते हैं आप। तो मैं इसका यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को जो है ओपन किया तो हमारे सामने ऐसा एक ऑप्शन आया है, तो मैं इधर एंटर कर देता हूँ। न्यू टेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें जो है ए पर क्लिक करता हूँ और इधर से एडिट पर क्लिक करके मैं इसका जो है एडिटिंग कर लेता हूँ। तो एडिटिंग करने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ SA, थोड़े जगह छोड़ कर मैं लिख देता हूँ ए, मतलब कि मेरा चैनल का नाम है सुपर टेक्निकल अशोक। तो मैं इधर पहले लिख देता हूँ SA, तो मैंने जो है दोनों लिख दिया और फिर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे सामने जो है ऐसा आ जाएगा लिखा हुआ। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इधर सेट कर लेता हूँ। तो इधर मैंने इसको रख दिया है, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसका जो है कलर है फॉन्ट है जो चेंज कर लेता हूँ, तो मैंने फॉन्ट पर क्लिक किया और अमरंथ बोल्ड इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा फॉन्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं इसका जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कलर पर मैंने क्लिक किया और इधर से रेड कलर ले लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ। मैंने रेड कलर है जो सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं राइट पर क्लिक कर देता हूँ इधर से और इसका जो है बैकग्राउंड है थोड़ा बैकग्राउंड मनी शेडो को थोड़ा जो है स्टार्ट कर देना है तो अच्छा दिखेगा। ये वाइट शेडो रखना है, तो मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर दिया और शेडो लगा दिया इधर इसके पीछे। अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर एक और टेक्स्ट लगाऊंगा, जैसे कि मैंने इस एडिट पर क्लिक किया तो ये तो सेम हो गया। मैं वापस से इस पर फोटो पर क्लिक करके वापस टेक्स्ट पर प्लस टेक्स्ट इस पर मैंने क्लिक किया, तो इधर हमारे सामने एक और ऑप्शन आ गया है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एडिट पर और इसको जो है और टी लगा देता हूँ, टी मतलब कि सुपर टेक्निकल अशोक। तो मैंने टी लगा दिया है और टी को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसके पीछे बीस में डाल देता हूँ। तो मैंने इसके बीस में डाल दिया। अब मैं इसका जो है फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अमरंथ बोल्ड वो सेम वाला ही हमारा वाला अभी किया था वो सेम ही है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने जब ओके पर क्लिक किया तो ये बड़ा हो चुका है फॉन्ट, आप दोस्तों देख सकते हैं फॉन्ट बड़ा हो चुका है। अब मैं इसी का भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अच्छा दिखेगा। और इसका जो शेडो है उसको भी ऑन कर लेता हूँ और स्ट्रोक है उसको भी ऑन कर लेता हूँ। तो स्ट्रोक को मैंने ऑन कर लिया तो इसके पीछे हमारे को वाइट रखना है, तो वाइट रख दिया मैंने और इस राइट पर मैंने क्लिक कर दिया और फिर हमारे को इस शेडो पर क्लिक करके इसका जो है वाइट सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके पीछे भी मैंने जो है वाइट सेलेक्ट कर लिया है और इसका जो आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो मैंने 100% अभी तक पूरा किया हुआ है। अब मैं इस राइट पर क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे सामने जो है चैनल का नाम तो लिख चुका है STA, मतलब शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है। अब हमारे को फिर और टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इधर से मैं लिख देता हूँ सुपर टेक्निकल अशोक, पूरा नाम लिख देता हूँ और टेक्निकल अशोक मैंने लिख दिया और फिर मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ये नाम जो है अभी लंबा ज़्यादा है, तो इसके पीछे का अशोक है उसको मैं हटा देता हूँ। तो एडिट पर क्लिक करता हूँ और इधर से अशोक को कट कर लेता हूँ, तो इसको मैंने कट कर लिया सुपर टेक्निकल है ओनली। तो अब मैं इसके नीचे लगा देता हूँ इसको और इसका जो है कलर मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर ब्लैक सेलेक्ट कर दिया और इसका जो है फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट कर देता हूँ अमरंथ बोल्ड। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये जो है इधर लिख चुका है सुपर टेक्निकल, मैंने सुपर टेक्निकल लिख दिया है। और अब हमारे को जो है इसके पीछे का शेडो और स्ट्रोक लगा देना है, तो स्ट्रोक मैं वाइट लगा देता हूँ तो अच्छा लगेगा। तो मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैं इसके पीछे जो है शेडो भी कर देता हूँ वाइट, तो ये भी अच्छा लगेगा।
तो मैंने इसके नीचे लगा दिया इसको सुपर टेक्निकल, और मैं इसके बीच नीचे जो है एकदम सही सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि ऐसा दिख सके। तो मैंने सही एकदम सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसके नीचे जो है और टेक्स्ट पर क्लिक करके, प्लस टेक्स्ट पर क्लिक करके एक और लिख देता हूँ अशोक, मेरा नाम जो है इधर लिख देता हूँ, तो पूरा नाम हो जाएगा चैनल का। तो मैंने अशोक सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं इसके नीचे लगा देता हूँ अशोक। तो मैंने इसके नीचे लगा दिया। अब मैं इधर से जो है इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ और इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। तो अमरंत बोल्ड का जो है मैंने सेम फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और फिर ओके पर क्लिक कर दिया, और मैं इसके जो है पीछे बैकग्राउंड लगा देता हूँ। एक बैकग्राउंड मैंने जो है पीला लगाना है, पीले येलो कलर का बैकग्राउंड मैं लगा देता हूँ। तो येलो कलर का बैकग्राउंड मैंने लगा दिया और इसको थोड़ा सा इधर से बड़ा कर लेता हूँ, ऊपर नीचे का जो है कम कर लेता हूँ जिससे कि यह कम देख सके। ये मैंने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इस पे जो है थोड़ा लाइन लाइन और लंबा कर लेता हूँ जिससे कि हमारा कट करना है, इसका जो है गोल राउंड कट करना है तो ऐसा देखेगा। तो अब मैं जो है अशोक नाम लिखा हुआ है इसको जो है कलर चेंज कर लेता हूँ और ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ब्लैक कलर जो है मैंने इधर से सेलेक्ट कर लिया है, और मैं इधर से इसको जो है आसानी से इसके पीछे डाल सकता हूँ नीचे। और फिर हमारे को क्या करना होगा कि हमारे ये ऐसा रेडी हो चुका है, तो हमारे को इसके ऊपर जो है राउंड कट करना है। तो राउंड कट करने के लिए हमारे को क्या करना होगा कि इधर से एक हमारे को सेलेक्ट कर लेना है शेप्स, आप देख रहे हैं शेप्स लिखा हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और हमारे को इधर से जो है इसका जो ऑपेसिटी है वो कम कर देना है, बिल्कुल कम कर देना है। और फिर इधर से जो है स्कोर है, तो स्कोर को मैं राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जो है राउंड सेटल कर दिया है, और मैं इसका जो स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, ये स्ट्रोक है जो बढ़ रहा है नीचे से, आप दोस्तों देख सकते हैं स्ट्रोक मैंने बढ़ा दिया है। और अब मैं जो इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो ये जो बड़ा हो चुका है मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ये लग चुका है आप दोस्तों देख सकते हैं। तो मैंने जो है जल्दी जल्दी बनाया इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, और आप जो है इसे आसानी से अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो मैं इसको जो है सही तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट, तो सही तरह से मैंने जो है इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं राइट पर क्लिक कर देता हूँ, तो राइट पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये एकदम सही है। तो मैं अब इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए हमारे को इस पर क्लिक कर देना है, सेव टू गैलरी, सेव आज इमेज, सेव आज इमेज, इस पर मैं क्लिक कर दिया। और ये जो है डिफॉल्ट इस पर क्वालिटी जो है अल्ट्रा कर देता हूँ, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का कर देता हूँ। और फिर मैं सेव टू गैलरी इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये जो है रेंडरिंग इमेज अभी मतलब मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस पिक्सल लैब से जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिक्सल बन जाता है, मतलब फ़ोटो बन सकता है। तो सेट करने के लिए हमारे को जो है वापस हमारी मैं गैलरी में आपको दिखा देता हूँ, ये फोटो है जो ये लोगो, तो मैं इसको जो कट कर लेता हूँ, कट कर देता हूँ फ़ोन में ही। तो आप दोस्तों आप सभी को मालूम ही है कि कट तो कैसे करते हैं, सभी की गैलरी में ये सिस्टम तो होता है। तो मैं इसको जो है थोड़ा कट कर लेता हूँ। कट हमारे को ऐसे करना है कि दोस्तों ये जो है राउंड वाला है ना, राउंड एकदम बराबर होना चाहिए। अभी राउंड एकदम बराबर है, तो मैं आप इस पर जो है डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो सेट करने के लिए हमारे को ऐसे एक आपको एक बार कट कर लेना है स्क्रीन के बराबर, मतलब ये जो बार की जो है लाइन है ना राउंड वाली, उसको ये जो है बराबर होनी चाहिए, स्क्रीन के बराबर होनी चाहिए, जिससे कि चैनल का लोगो है वो अच्छी तरह से लग सके चैनल पर।